यूपी के मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के वरवालान मोहल्ले में उस समय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब मोहल्ले के ही कुछ दबंग अभियुक्तों ने घर में घुसकर युवक और उसके परिजनों की जमकर पिटाई कर डाली। युवक के सर में हाथ में पहनने वाला लोहे का पंच से वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसके सर में गंभीर चोट आई है। घायल युवक को मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने युवक को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने अच्छे उपचार के चलते युवक को ठीक होकर अपने घर पहुंचाया है, जिसमें पीड़ित परिवार का कहना है कि मारपीट करने वाले दबंग अभियुक्तों के खिलाफ हमने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, वही मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अभी तक दबंग अभियुक्तों के खिलाफ कोई भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की है। वही दबंग अभियुक्त अभी भी मोहल्ले में बेखौफ होकर दबंगगिरी दिखाते हुए घूम रहे हैं, जिनसे पीड़ित परिवार को जान और माल का खतरा बना हुआ है, जिसमें पीड़ित परिवार ने मारपीट करने वाले दबंग अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? फैजान। फैजान, जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है कितने लोग थे और क्यों मारपीट की थी? मैं मामी के घर से जा रहा था रास्ते में, ठीक है, तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी, अंदर से शोर हो रहा था, कुंडी खोलो कुंडी खोलो, तो मैं जा रहा था ना, पीछे से आके नाजिम ने मुझे वार करा सर पर पंच का। कितने लोग थे मारने पीटने वाले? कम से कम 30-35 लोग थे पीछे। कोई घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है मारपीट? हाँ। की सब लोगों ने मारपीट की है? सब ने मारपीट की और उनके ज्यादा नाजिम ने ज्यादा मारपीट की। अच्छा अच्छा, दूसरी ये बताओ, पुलिस को तुमने तहरीर दी थी? हाँ। तो कोई कार्रवाई की पुलिस ने? नहीं करी कार्रवाई उन्होंने। क्या कहती है पुलिस? कुछ कह नहीं रहे, सुन ही नहीं रही हमारी अब। अच्छा, क्या मांग करना चाहोगे तुम? उनको सजा दिलवाना चाहते। ठीक है। आपका? मेरा नाम कैसर है। केसर जी, आपके जो ये बेटे हैं कौन हैं, जिनके साथ भांजे साहब के साथ मारपीट की है, किन लोगों ने की है और कब की घटना है, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? परसों की घटना है, 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चली है ये। और कोई बात भी नहीं थी, बच्चों के ऊपर पानी डाल रही थी, मैं कहने के नहीं गई तो मुझे लड़की उसकी उल्टा सीधा बोलने लगी, उसने अपनी माँ को चढ़ा के भेज दिया। माँ ने अपने भैयों को बेटों को, भैया उसका बाबू मुन्ना और बेटे उसके नाजिम और अनस और एक उसका दामाद फहीम, तीनों सब लोग आके उसके साथ में कम से कम 100 लड़के थे, सब आके घर पे चढ़ाई लेके आ गए, इतनी हाथापाई करने लगे, बहुत ज़्यादा गली में भी मारपीट करी, मोहल्ले वालों ने बताया तो उनको भी मारा, इतना ज़्यादा मारा, ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर क्या नाम है, इतनी हमें मारा, घर में हमारे किवाड़ तोड़ के अंदर घुस आए, अंदर घुस के मारा, वो लोगों ने कुंडी लगा दी, भांजा हमारा आया, इन्होंने देखा कि मामी के वहाँ क्यों शोर मच रहा है, इनने जो खुलवाने की कोशिश करी, मामी से पूछो तो इसको पीटना शुरू कर दिया, इसके पंच होता है लोहे का पंच, हाथ में पहनने वाला, वो मारा, घर में लेकर आए थे ब्लेड, हमारे हाथों पे लगे हुए कई एक जगह ब्लेड, वो चलते हुए लगे हैं, लड़के के छोटा लड़का मेरे उसके भी ब्लेड मारे। कहाँ कहाँ चोटे हैं इनके? इसके सर पे भी चोट है, हाथों में भी चोट है, इसके ये कोख में भी भूसे मारे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चोट है। अच्छा, पुलिस को कोई तहरीर दी थी तुमने इस चीज की? पुलिस में हमने 112 नंबर पे पहले कॉल करी थी, तो क्या नाम है, वो आए थे, वो देकर गए थे, बोले हाँ इनके यहाँ जाती हुई है, क्योंकि सब बर्तन वर्तन भी तोड़ गए थे, मेरे पास पैसे थे 10-12 हजार रुपए, वो भी ले गए घर में से। अच्छा। हाँ, और क्या नाम है, जब पुलिस से कहा हमने तो पुलिस बोले हाँ आपकी कार्रवाई होगी, हर कोई बिकने वाला नहीं होता, क्योंकि मुगलपुरा थाना पूरा, तब उसके वहाँ मुगलपुरा थाने के जितने लोग पड़े रहते हैं पुलिस वाले, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या मांग करना चाहोगी तुम? हम ये इंसाफ चाहते हैं कि उसके लड़के के नाम है, उनके लड़कों को सजा मिले, भैयों को सजा मिले, दामाद को सजा मिले, उसे खुद को सजा मिले, बहुत मरदानी बनती है। अच्छा, कोई घटना सीसीटीवी में मारपीट की कैद हुई है? हाँ हुई है। तो मारपीट कौन कौन लोग कर रहे हैं? मारपीट ये नजमा है, नजमा के 2 लोने हैं, अनस और नाजिम, उसके 2 भैये हैं, बाबू मुन्ना और के नामे का उसका दामाद है, उसके साथ और भी उनके लड़कों के यार दोस्त थे, उनके नाम मुझे नहीं मालूम, एक उनका लड़का है बल्लड़ भाई का लड़का, क्या नाम है उसका, नानू।